तो जो सिचुएशन 2020 में झेले हैं वो हमको लगता है कि 21 में भी झेलना पड़ेगा हम लोग को। क्लास जाकर पॉसिबल तो है नहीं पढ़ पाना, ऑनलाइन क्या पढ़ेगा, बिहार में कितना शिक्षा व्यवस्था किए हुए है सरकार आपको तो पता है। नए साल का शुभारंभ तो हम लोगों को कुछ आइडिया बनाए हैं कि लोगों को सही चीज़ में कुछ चीज़ों की शपथ दिलवाएं, जैसे कि स्वदेशी यूज़ करने का, इंडियन तो हर लोग जापते रहते हैं, फॉरवर्ड मैसेज आया कि चाइना का विरोध करना तो सब लोग हाथ उठाते हैं हाँ चाइना का विरोध करना है, लेकिन करने की बात जब आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। 2021 आने वाला है तो मायूसी टाइप का है, सभी में उल्लास जो होना चाहिए वह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम्स और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2020 का समापन होने जा रहा है, 2021 का शुभारंभ होने जा रहा है, नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। आज 31 दिसंबर है और कल 1 तारीख नववर्ष की शुरुआत। ऐसे में ये जानना अति आवश्यक और अहम हो जाता है कि 2020 में कौन सी पॉजिटिव बातें रही हैं, और हम कुछ लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके जीवन में 2020 में कौन सी पॉजिटिव और अच्छी बातें रही हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित प्रियदर्शी। अच्छा, 2020 में कौन सी चीज़ जो है वो पॉजिटिव रही, कौन सी बातें जो हैं पॉजिटिव रही हैं सर? 2020 में लॉकडाउन के दौरान डिजिटल लिटरेसी और उसके इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और बहुत ज़्यादा समय मैं कंप्यूटर और मोबाइल पे नहीं दिया करता था, लेकिन चूँकि सारे क्लासेज अब उसी के थ्रू चल रहे थे तो उन चीज़ों को अब इस्तेमाल करना ही था, जो चीज़ें नहीं सीखी थी उन्हें सीखना ही पड़ा और काफ़ी कम समय में हम लोगों ने उन चीज़ों को सीखा और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना भी जाना हम लोगों ने, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही। हम जो चाहते हैं कि 2021 हो जो सभी के लिए मतलब एक ऐसा दिन आए कि एक अपना ज़िंदगी को शुरुआत करे और हंसते खेलते ज़िंदगी बीत सके, लेकिन हमको तो ऐसा लगता नहीं है कि ज़िंदगी मतलब इतना नर्क बन गया कि क्या कहा जाए, मतलब जो सिचुएशन 2020 में झेले हैं वो हमको लगता है कि 21 में भी झेलना पड़ेगा हम लोग को। क्या लगता है कोरोना जो है वो खत्म नहीं होगा? ना, हमको तो लगता है कि होगा नहीं, और कोरोना पर हमको लगता है कि जहाँ तक सोचते हैं तो पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि बताइए हर संस्थान को बंद कर दिया है सरकार गवर्नमेंट ने, और क्या कहते हैं कि ट्रेवलिंग वाला जो रास्ता है और सभा वाला जो रास्ता है सबको खुलेआम छोड़ दिया है, और क्या स्टूडेंट ही एक ऐसा है कि मतलब कोरोना से जूझ सकता है? कोरोना तो सबके लिए ना बराबर है और सबको अधिकार मिलना चाहिए आज़ादी के, लेकिन स्टूडेंट को मतलब बांध के रखा है। अभी तक कोई कोचिंग क्लास नहीं खुला है, लोग स्टूडेंट अपने अपने यूट्यूब पर पढ़ रहा है, किसी को आँख खराब हो रहा है तो किसी को डॉक्टर के पास, अब बेरोजगारी में पैसा आ नहीं रहा है, इसी तरह से समस्या झेल रहा है। क्लास में क्लास जाकर पॉसिबल तो है नहीं पढ़ पाना, ऑनलाइन क्या पढ़ेगा, बिहार में कितना शिक्षा व्यवस्था किए हुए है सरकार आपको तो पता है, तो इससे बुरा और क्या होगा? उम्मीद क्या है? उम्मीद अब इससे उम्मीद कुछ नहीं है, उम्मीद बस यही है कि सरकार हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए कुछ करे बस। और नव वर्ष की शुरुआत कैसे करेंगे, नव वर्ष से क्या उम्मीद है? नव वर्ष से कोई उम्मीद है, उम्मीद है कि 4 तारीख को पूरा संस्थान खुलने वाली है, हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि खुल जाए तो स्टूडेंट के लिए करियर में थोड़ा सा सफलतापूर्वक बन सकता है, और नहीं तो फिर कोरोना का अगर बनाया जाए माहौल कि कोरोना बढ़ते जा रहा है। जब चुनाव आया तो किसी प्रकार का कोई कोरोना नहीं था, और जब हम लोगों का स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम है तो फिर से कोरोना आ गया, दोबारा हो गया। क्या लगता है 2021 में कोरोना खत्म हो पाएगा? नहीं होगा सर, जब तक ये सरकार इतना गंदा रहेगा तब तक कुछ हो भी नहीं करेगा। नए साल का शुभारंभ तो हम लोगों को कुछ आइडिया बनाए हैं कि लोगों को सही चीज़ में कुछ चीज़ों की शपथ दिलवाएं, जैसे कि स्वदेशी यूज़ करने का, इंडियन तो हर लोग जापते रहते हैं, फॉरवर्ड मैसेज आया कि चाइना का विरोध करना तो सब लोग हाथ उठाते हैं हाँ चाइना का विरोध करना है, लेकिन करने की बात जब आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो हम कहेंगे कि 2 पैसा महंगा मिलता है लेकिन इंडियन सामान यूज़ करें, हर्बल यूज़ करें और केमिकल युक्त फ्री हो। हम तो आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी वैसा यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉजिटिव बातें तो नहीं, पर ये इतना लंबा लॉकडाउन रहा जो भी, इससे लोगों को सीखने मिली क्योंकि आप और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने हेल्थ के बारे में सोचें, इस बारे में लोग जागरूक हुए अपने हेल्थ को लेके, और बहुत हद तक इंडिया कोरोना पे कंट्रोल कर चुका है अब, बट फिर भी अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। सो लोगों को चाहिए कि हाँ, नव वर्ष में ये नहीं है कि हाँ पूरे एकदम सोशल गैदरिंग में जाएं पूरे, तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही सेलिब्रेट करना चाहिए। नव वर्ष की शुरुआत कैसे करेंगे, क्या कुछ प्लान करके रखा है आप लोगों ने? जी अभी फ़िलहाल तो नहीं प्लान किया है क्योंकि अभी भी कोविड बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि यूके में नया स्ट्रेन मिला है तो लोगों को इस चीज़ के लिए
जागरूक करना चाहिए कि वो अपने घर में ही सेलिब्रेट करें। 2020 का पॉजिटिव बात यही याद है कि कोरोना के कारण से जो जश्न मनाना है, जो आने वाला 2021 आने वाला है, तो मायूसी टाइप का है। सभी में उल्लास जो है होना चाहिए वह नहीं है। कुछ खुशी के पल जो 2020 में आपके बीते हों और आपको याद आ रहा हो कि एक वो पल है जो पूरे 2020 में अच्छा रहा। ये देखिए अच्छा तो रहा ही नहीं है कि अपनी लाइफ में अभी तक मुझे 38 ईयर्स हो गया है, अभी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि ट्रेन कभी बंद हो सके होगा लाइफ में। आने वाले पूर्वज लोग भी बोले कि कभी नहीं इस तरह का हुआ था, इसलिए खुशी की बात तो है ही नहीं। 2021 की शुरुआत कैसे करेंगे, क्या कुछ प्लान करके रखा है आपने? 2021 का प्लान क्या है रखे हैं, कुछ भी नहीं। क्या है, अर्न होगा तभी तो करें कर सकते हैं, अर्न ही नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते मना सकते हैं। अच्छा। जैसे चलते आ रहा वैसे चलते आ। लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2020 का समापन होने जा रहा है, पर पूरे 2020 की अगर हम बात करें, 12 महीने की बात करें, तो क्या कुछ अच्छा पल बीता है लोगों के जीवन में, क्या कुछ पॉजिटिव बातें रही हैं और नव वर्ष की शुरुआत कैसे करेंगे, इन सवालों को लेकर हम लोगों से जुड़ रहे हैं। सर 2020 का समापन होने वाला है, ऐसे में पूरे अगर 2020 की बात करें हम, तो कुछ अच्छा या पॉजिटिव पल जो आपको याद हो। 2020 तो पूरी तरह से कोरोना को ही डेडिकेटेड रहा, सर शुरू से आखिर मार्च गुजर गया, दिसंबर आ गया। जी पॉजिटिव इसका हम रिस्पॉन्स ये लेंगे कि हम फैमिली से बहुत जुड़ गए, जो चीज़ें हम कट गए थे अपने बिजनेस ऑफिशियल लाइफ में जो भी, लेकिन फैमिली के साथ रहने पर जो एक दूरी आ गई थी ना, वो कहीं से कहीं वो पॉजिटिव, चाहे हम रिलेशन में हो या कुछ भी हो, एक दूसरे के हाल चाल जानना वो कैसे हैं, एक तो पॉजिटिव में सबसे कि एक लोग दूसरे के करीब आए, जो चीज़ लोग एकदम कट चुके थे। तो अगर हम मतलब कोरोना काल का तो पॉजिटिव सेंस मिले तो फैमिली की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और एक दूसरे के मतलब केयर करना लोग सीख गया है, चाहे किसी का आप हेल्प उसमें, जैसे हम लोग देख रहे हैं जितनी क्राइसिस हुई और जिसमें लोग आगे बढ़कर हेल्प भी किए, उसकी प्रॉब्लम तो सबके साथ हुई, लेकिन एक जो चीज़ ख़त्म हो रही थी सोशल लाइफ में वो चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी। और फिर इन्वायरमेंट हम लोग देखा, हम लोग कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, चाहे वो गाड़ी बंद या कुछ भी बंद तो उस पर कंट्रोल लगा वो, तो ये कुछ तो अच्छा सिग्नल भी मिला वो लोगों को। कई से उम्मीद है कि और अच्छा गुजरे, कम से कम अगर वो वैक्सीन आई है तो कुछ सक्सेसफुल रहे, और जिस जैसे देशों का हाल जैसा नहीं हो कि और कुछ नया है तो उस पर भी कंट्रोल हो जाना चाहिए। नववर्ष की शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत एक पॉजिटिव साइंस ही करेंगे, एक अच्छी होप लेकर कि जो पिछला साल हुआ वैसा कुछ ना हो और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम कुछ हद तक सॉल्व हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या कुछ भी हो, क्योंकि लोगों के पास अगर काम गया है कोरोना में तो उम्मीद करूँगा कि कहीं इसमें उनके साथ कुछ अच्छा हो, उनके पॉजिटिव मिले, उनको एक मतलब जब निगेटिविटी आ गई है, चाहे उनकी जॉब गई है कुछ भी, वो चीज़ ख़त्म हो कम से कम। आपने सुना लोग जो हैं वो साझा कर रहे थे कि 2020 में कई पल आए, कई उतार चढ़ाव आए, पर उस बीच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो भी निकल कर आई और वही हम जानने का प्रयास भी कर रहे थे, क्योंकि 2020 का समापन होने वाला है और ऐसे में ये जानना अति आवश्यक था कि कोरोना काल के बीच कुछ पॉजिटिव चीज़ें लोगों के जीवन में आई हैं या नहीं आई हैं और आपने उनकी राय भी सुनी है। 2021 का शुभारंभ होने जा रहा है, हालांकि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, सचेत रहने की आवश्यकता है। हम लोगों से जुड़ रहे थे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और गैदरिंग वाले प्लेस में हम नहीं जा रहे थे और हम लगातार लोगों से उनकी राय अब तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। आप भी सचेत रहें और नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाए, लाइव सिटीज़ भी यही कामना करता है। वीडियो के साथ बने रहें, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।